नमस्कार प्यारे साथियों उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे आप पर आपको मेरी क्लासेस मिला करेंगी की एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थीगण जुड़ जाएंगे शानदार तरीके से आपको याद होगा कल ज्यादा सवाल नहीं पड़े थे केवल सत्रह से अठारह सवाल पड़े थे मगर इतने शानदार तरीके से अगर सीजीएल का एग्जाम तक देने जाओगे ना तो वो तक बोलेगा भाई कहां से पढ़कर आया है और इसी प्रकार से तैयारी करेंगे सर 25 में से 25 सवालों का ही टारगेट रखेंगे वो लिखवाना अलग चीज है सर की 25 में 25 टिक करवा देंगे सर हम 25 में 25 टिक करवाने के लिए जी जान लगा देंगे ईमानदारी से तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए शानदार तरीके से एक बार जानदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए बहुत बहुत स्वागत है वंदना वर्मा जी लक्की ठाकुर जी रेणु सिंह जी सुमन चौरसिया जी शिवनंद निषद जी रेणु सिंह जी प्रिया सिंह जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस क्लास में क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट -फड़ से क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग जुड़ जाइए आज की क्लास का टारगेट है भाई साहब पांच सौ विद्यार्थियों को जोड़ना ये तुम्हारा लक्ष्य है लक्ष्य तुम हासिल करवाओगे बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए बाकी मैं संभाल लूंगा चलिए स्टार्ट करते हैं सर क्लास को शानदार तरीके से जल्दबाजी नहीं करेंगे रिलैक्स मोड में पढ़ेंगे अभी तीन महीने हैं और तीन महीने में मैं आसानी से तुम्हारा एग्जाम टिक करवा दूंगा इस बात की गारंटी मेरी है ठीक है चलिए सवाल पढ़िए शांतिपूर्ण तरीके से सर सवाल है भारतीय बीमा नियमक और विकास प्राधिकरण आई आर डी ए आई का मुख्यालय कहां पर मौजूद है इंग्लिश में भी देख लीजिए द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर मतलब इसका मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है एक सवाल तो सर यहां पर यह बनता है एक सवाल और बनता है कि सर आई आर डी ए की डी ए आई की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी कब इसको बनाया गया फॉर्म कब किया गया था एक सवाल और आ सकता है सर में। इसके चेयर परसन का नाम क्या है इसके मौजूदा चेयरमैन का नाम क्या है देखिए इस बार मैं बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा चीजों को कि मैं कोई भी चीज छोड़ने के मूड में नहीं हूं चाहे वो स्टैब्लिशमेंट हो चाहे वो चेयरपर्सन हो चाहे वो सर हेडक्वार्टर हो चाहे वो हेडक्वार्टर किस क्षेत्र में मौजूद है वो हो सवाल आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन है हैदराबाद नई दिल्ली चेन्नई या फिर कोलकाता फटाफट फड़ से सवाल का जवाब देने का प्रयत्न कीजिए कोशिश कीजिए चलिए सर क्या रहेगा मेरी सिस अंजू सिस का भी नाम लेकर एक बार जी मैंने नाम ले दिया जी आपकी सिस्टर अंजू जी का भी क्या रहेगा सवाल का सही जवाब फटाफट फड़ से जवाब देने की कोशिश कीजिए सर इसकी स्थापना ना उस वर्ष में की गई थी उस ईयर में की गई थी जिस समय भारत में आपको बैठे हुए नजर आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी इसकी स्थापना उस टाइम पर की गई थी जब आपको भारत में बैठे हुए नजर आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी आप सभी लोग जानते हैं सर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के तीन बार प्रधानमंत्री बने सर एक बार सोलह दिनों के लिए बहुत सारी किताबें आपको तेरह दिन दिखाएंगी मगर मैं आपको सोलह दिन दिखाऊंगा इसके साथ साथ सर एक बार तेरह महीने के लिए और एक बार साढ़े चार सालों के लिए ये भारत के प्रधानमंत्री रहे और इसकी स्थापना कब की गई थी स्टेब्लिशमेंट तो इसकी स्थापना की गई थी सर 1999 में उन्नीस में इसके मौजूदा चेयरपर्सन का नाम क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है अभी भी तीन सवाल बचते हैं हमारे लिए स्टैब्लिशमेंट की गई उन्नीस में सर याद रखिएगा एक तारीख को यह अलग क्वेश्चन बन गया यहां से अब तारीख है सर ग्यारह मई और ग्यारह मई उन्नीस को पहली बार मनाया गया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऐसे ही कनेक्ट करके चीजों को पढ़ना होता है तभी एग्जाम में टिक हो पाते हैं चीजें ठीक है तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे पहली बार कब मनाया गया सर पहली बार मनाया गया 1999 में 11 मई को क्लियर इसके साथ साथ सर अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हमने जोड़ लिया कनेक्ट कर लिया सवाल का सही जवाब सर हैदराबाद है ये हैदराबाद कहां पर मौजूद है तो आप सभी लोग जवाब देंगे सर हैदराबाद तो तेलंगाना की राजधानी है किसकी राजधानी है, है हैदराबाद सर हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना की और ये हैदराबाद किस नदी के किनारे पर मौजूद है सर ये नदी है मूसी मूसी नदी के किनारे पर मौजूद है हैदराबाद एक नहीं रही सर काफी सारे सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ पेन का कलर चेंज कर लू डायरेक्ट बिल्कुल जी पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ कोई इशू नहीं है सर यहाँ पे लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर आप देख सकते हैं उस समय प्रधानमंत्री जो थे जिनका नाम था अटल बिहारी रेड पेन से लिख दिया मैंने उम्मीद करूंगा आप नजर आ रहा होगा साढ़े चार साल ये लिखा हुआ है तेरह महीने ये लिखा हुआ है सोलह दिन ये लिखा हुआ है हैदराबाद किसकी राजधानी है सर हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है साथ साथ सर हैदराबाद आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है मगर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर हैदराबाद केवल आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है हैदराबाद केवल और केवल सर राजधानी है अपनी तेलंगाना की मगर ध्यान रखना जी मैंने कलर चेंज कर लिया है वैसे तो मेरे ख्याल से आपको नजर आ ही रहा हो होगा इस कलर से भी मगर फिर भी मैंने कलर चेंज कर लिया है अभी शुरुआत हुई है कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त जैसे हम बोलते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त तो अभी तो शुरुआत हुई है सर अभी तो लंबी चौड़ी कहानी पढ़ना बाकी है अगर आपसे पूछ जाए चेयरपर्सन कौन है तो टिक कर देना सुभाष चंद्र जी क्लियर टिक कर दीजिएगा कौन है चेयरपर्सन सर चेयरपर्सन का नाम है यहाँ पे सुभाष चंद्र क्लास को शेयर करो पांच विद्यार्थी चाहिए चाहे कुछ भी करो पांच विद्यार्थी जोड़िए भाई फटाफट -फड़ शानदार तरीके से इतनी बेहतरीन क्लास आपको नहीं मिलेगी आप भी जानते हैं बात ठीक है पहला सवाल सर हैदराबाद पहले सवाल का जवाब कहां पर मौजूद है दूसरा सवाल किस नदी के किनारे पर मौजूद है हैदराबाद तीसरा सवाल सर किसकी राजधानी है तेलंगाना की चौथा सवाल सर किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी पांचवा सवाल सर स्टैब्लिशमेंट की कब गई थी उन्नीस सौ निन्यानवे में, में चेयरपर्सन का नाम क्या है सुभाष चंद्र नाम है चेयरपर्सन का साथ साथ उन्नीस में, में पहली बार ग्यारह मई को मनाया गया था सर नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे एक एक चीज़ को नोट डाउन करना है एक सिंगल चीज नहीं छोड़नी सर एक सिंगल चीज जिसे कहते हैं एक सिंगल चीज नहीं छोड़नी सभी चीजों को ईमानदारी से आपको लिखना है ताकि एग्जाम के लिए आप अच्छे से अच्छे नंबरों को स्कोर कर पाए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सर अगला सवाल है ये जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है ना ये सरस्वती महल लाइब्रेरी भारत में कहां पर मौजूद है केरल में मौजूद है सरस्वती महल लाइब्रेरी भारत में कहां पर मौजूद है ऑप्शन है सर केरल में ऑप्शन है सर तमिलनाडु में ऑप्शन है सर तेलंगाना में या फिर ऑप्शन है वेस्ट बंगाल में देखिए अगर हम किसी भी राज्य की राजधानी या फिर किसी भी राज्य का भ्रमण करने के लिए जाएंगे तो सर भ्रमण करने का अर्थ वहां पर क्या रहेगा सर भ्रमण करने का अर्थ यहां पर रहेगा कि हम राज्य को पूरा का पूरा ढूंढ के आएंगे समझ के आएंगे कि, कि किस प्रकार से राज्य में क्या क्या चीज मौजूद है ध्यान से देखिएगा अगर आप वेस्ट बंगाल जाएंगे ना सर तो वेस्ट बंगाल जाते ही आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि बंगाल विभाजन कब किया गया था अगर आप वेस्ट बंगाल जाएंगे तो आपको बंगाल जाते ही पढ़ना पड़ेगा कि बंगाल का विभाजन डिवीजन कब किया गया था तो वहां आपको जवाब देना पड़ेगा सर वेस्ट बंगाल बना था बंगाल विभाजन के बाद एक क्षेत्र बनेगा सर वेस्ट बंगाल और एक क्षेत्र बनेगा सर ईस्ट बंगाल ये ईस्ट बंगाल वाला क्षेत्र बाद में बनेगा सर ईस्ट पाकिस्तान ये ईस्ट बंगाल वाला क्षेत्र बाद में बनेगा सर ईस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान ही सर आगे जाकर क्या बनेगा बांग्लादेश ये सभी सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में या तो ये कुछ भी पूछ सकता है आपको याद रखना है बंगाल विभाजन हुआ कब था सर बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को एज एड इज तारीख पूछेगा एग्जाम में एज एड इज आपको जवाब देना पड़ेगा उस समय कौन बैठे हुए थे वाई के रूप में तो याद रखिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं लॉर्ड कर्जन की इसकी बात कर रहे हैं लॉर्ड कर्जन यहां पर बैठे हुए थे क्लियर लॉर्ड कर्जन को ही बोला गया है भारत का सबसे बदनाम वाइस राय या गवर्नर जनरल मगर सवाल अभी भी वही बनता है सर कि जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है कि सरस्वती महल लाइब्रेरी भारत में कहां पर मौजूद है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है एग्जाम में पहले पूछा गया है दोबारा पूछने के भी चांसेस रहेंगे अनुज कुमार जी जो सोवत है सो खोवत है आप बेफिक्र रहिए कमलजीत कुमार झा जी सर बीच बीच में प्रीवियस ईयर भी आप 25 क्वेश्चन आप समझ रहे हो अगर एक प्रीवियस ईयर से निकाल के लाऊंगा तो वो 25 के 25 क्वेश्चन सर स्टैटिक जीके के नहीं बन पाएंगे ना और मेरे को स्टैटिक जीके भी पढ़ानी है करंट भी पढ़ाना है इसके अलावा सर मुझे आपको पॉलिटी भी समझानी है हिस्ट्री भी समझानी है क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन समझाना है मुझे तो समझिए बात पर ध्यान दीजिए सरस्वती महल लाइब्रेरी भारत में कहाँ पर मौजूद है सवाल आपकी स्क्रीन पर यह मौजूद है अच्छे से सुन ली सर आपकी बात सुन ली सर आप सर्व सर्व संपन्न है आप बे

मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं सर एशिया में एक सबसे पुरानी लाइब्रेरी में से एक लाइब्रेरी कौन सी मिलेगी सरस्वती महल लाइब्रेरी कहां पर मौजूद है तमिलनाडु में इसके साथ साथ सर याद रखिएगा कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम एम के स्टेलिन है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं सर उनका नाम एम के स्टेलिन है ये एम के स्टेलिन किसके बेटे हैं सर ये निधि के बेटे हैं ये एम निधि के बेटे हैं आप जानते हैं फॉर्मर सी ऑफ एम करुणा निधि के ये बेटे हैं फॉर्मर सीएम ऑफ तमिलनाडु और इस समय के पार्टी के ये चेयरमैन भी, भी है उस पार्टी के मौजूदा चेयरमैन भी हैं उस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं कितने सारे टवाल टैकल हो गए एक सवाल और पूछ सकता है कि गवर्नर कौन है तमिलनाडु के तो क्या टिक करेंगे सर तमिलनाडु के मौजूदा गवर्नर का नाम है आर एन रवि क्लियर जितने सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है सभी सवालों को एक बार फटाफट फड़ से रैपिड फायर तरीके से रिवाइज कर लीजिए सरस्वती महल लाइब्रेरी कहाँ पर मौजूद है तमिलनाडु में इसके अलावा तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री का नाम क्या है सर एम के स्टेलिन तमिलनाडु में गवर्नर कौन है आर एन रवि एम के स्टेलिन किसके बेटे हैं सर एम करुणानिधि के ये बेटे हैं एम करुणानिधि कौन थे सर फॉर्मर सी ऑफ तमिलनाडु इसके अलावा किस पार्टी से संबंध रखते हैं डीएम के पार्टी से ये संबंध रखते हैं क्लियर जितने सवाल बनते हैं उम्मीद करूंगा सभी समझ आगे होंगे साथ साथ थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल के बारे में भी हमने पढ़ लिया और बंगाल के बारे में भी हमने पढ़ लिया अमार सोनार बांग्ला पहली बार 1905 में जो गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था दुख में गाया गया था शोक में गाया गया था क्योंकि जो अमार सोनार बांग्लेश का अर्थ यहाँ पे यह था कि हमारे प्यारे बांग्ला को आपने सेपरेट कर दिया अलग कर दिया मेरा प्यारा बांग्ला अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व संसाधन संस्थान डब्ल्यू का मुख्यालय कहां पर मौजूद है विश्व संसाधन संस्थान डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन इसका हेडक्वार्टर दुनिया में कहां पर मौजूद है वियना ऑस्ट्रिया में बर्न स्विट्जरलैंड में एथिन ग्रीस में या फिर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप सभी लोग जानते होंगे कि सर भारत ने एक बार क्लास को शेयर कीजिए फटाफट -फड़ से सभी लोग मिलकर जल्दी से शानदार तरीके से क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दो भाई फटाफट से सभी लोग मिलकर ताकि सभी अपने विद्यार्थी जितने अपने विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों तक क्लास अपनी पहुंच जाए ठीक है सवाल अगला आपकी स्क्रीन पर है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ये वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है चार मान लीजिए मैंने एक कंट्री को यहाँ से उठा लिया मैंने किसी भी कंट्री को उठा लिया वो मेरी मर्जी डिपेंड करता है कि मैं किस कंट्री के बारे में आपको पढ़ाना चाहता हूँ ठीक है मान लीजिए मैंने यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को उठा लिया यूएसए को आप सभी लोग जानते हैं कि 1789 में अमेरिका का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था 1789 में और अमेरिका के संविधान से यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से भारत ने क्या उधार लिया है तो सर अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को उधार लिया गया है भारत के संविधान में किसको उधार लिया गया है सर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को उधार लिया गया है मगर एक चीज़ याद रखिएगा जब अमेरिका ने अपना संविधान बनाया था ना 1789 में उस समय उसमें फंडामेंटल राइट्स एफ आर मौजूद नहीं थे ये फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका ने अपने संविधान में 1791 में जोड़ा था दसवे संविधान संशोधन या फिर चौदवे संविधान संशोधन के माध्यम से क्लियर ये पॉइंट भी याद रखना इसके मूलभूत संविधान में मतलब जो संविधान बनाया था अमेरिका ने चार महीने में उसमें मौजूद नहीं थे क्या फंडामेंटल राइट्स इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि सर यूएसए में ना आपको पचास स्टेट मिल जाएंगे कितने राज्य मिल जाएंगे पचास स्टेट मिल जाएंगे फिफ्टी राज्य आपको मिल जाएंगे और ध्यान रखिएगा जैसे भारत में राज्यसभा होती है ना इसी प्रकार से अमेरिका में आपको सेनेट नजर आएगा ठीक है अमेरिका में आपको सेनेट नजर आएगा और अमेरिका के हर राज्य में दो सेनेट आपको यहां पर मिल जाएंगे इसको मल्टीप्लाई बाय अगर टू आप करोगे तो कुल मिला के सेनेट की संख्या कितनी बन जाएगी सौ संख्या बन जाएगी हंड्रेड यहां पर सेनेट की संख्या बन जाएगी इसके अलावा अमेरिका के जो छियालीसवें राष्ट्रपति हैं उनका नाम जो बाइडन है इसके अलावा अमेरिका की जो फोर्टी नंबर की उपराष्ट्रपति है उनका नाम कमला हैरिस है यह सभी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सवाल का सही जवाब सर ऑप्शन नंबर डी है वॉशिंगटन डीसी है डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी की फुल फॉर्म क्या है डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बहुत बढ़िया सेवनटीन में एड किया शगुन त्रिपाठी जी जवाब दे रही है शानदार ठीक है शांतिपूर्ण तरीके से चलना है सर कोई जल्दबाजी नहीं शांति से पढ़ेंगे एग्जाम क्वालिफाई करना है केवल हमारा एक लक्ष्य है सर जैसे तुम्हें एक लक्ष्य नजर आता होगा ना तुम्हारी गली में उसी प्रकार से यहां भी तुम्हारा एक लक्ष्य है पेपर मतलब पेपर पे ही रखो अपनी आंखें जैसे तुम्हारी आंखें तब तक उस पर रहती हैं जब तक उसकी आंखें तुम्हारी तरफ ना देख लें इसी प्रकार से पेपर पर ही आंखें रखना कहीं और आंखें नहीं जानी चाहिए चलिए अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया सर सवाल है अबूजा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री सर कैपिटल्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और जो कंट्रिया न्यूज में है ना सर उनके सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं सवाल यहां पर यह है कि अबूजा किस देश की राजधानी है जैसे मान लीजिए अबूजा न्यूज में है डेनमार्क न्यूज में था डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भारत में विजिट किया इसीलिए डेनमार्क न्यूज में था इसी प्रकार से सर जैसे हम बात करें नैदरलैंड न्यूज में है यूक्रेन न्यूज में है रशिया न्यूज में है तो जो जो कंट्री न्यूज में रहेगी ना सर उन सभी कंट्री से संबंधित कैपिटल आपको पढ़नी ही पड़ेगी ठीक है और तुम मैं सही बता रहा हूँ अगर तुम तुम्हारा लक्ष्य उस आधार पर सिलेक्ट कर लो ना जैसे कई बार गली में घूमते हो तुम्हारा लक्ष्य बनता है कह रहा अब भाई ये कह रहा पसंद आ गया मतलब पसंद आ गया पसंद आ गई उसी प्रकार से अगर तुम एग्जाम को भी पसंद कर लो ना तो काम चल जाएगा अच्छे से सवाल आपकी स्क्रीन पर है अबूजा किस देश की राजधानी है अबूजा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री बुरूंडी की है इथोपिया की है नाइजीरिया की है या फिर एंगोला की है फटाफट फड़ जवाब देने की कोशिश कीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर इस क्लास से जीएस कवर अप हो जाएगा सर इससे जीएस जी के दोनों कवर अप हो जाएगा आप बेफिक्र रहिए क्या रहेगा सर सवाल का सही जवाब किस देश की राजधानी है अगर आप बुरुंडी की कैपिटल की बात करोगे तो इसकी कैपिटल रहेगी सर गिटेगा गिटेगा करके इसकी कैपिटल आपको मिल जाएगी गिटेगा करके आपको इसकी राजधानी मिल जाएगी अगर आप इथोपिया की बात करोगे तो एडिस आबा करके आपको यहां कैपिटल मिल जाएगी एडिस आबा करके यहां आपको कैपिटल मिल जाएगी ये वाली भी हो गई अगर आप एंगोला की कैपिटल की बात करोगे तो सर लोआंडा करके यहां की आपको कैपिटल मिल जाएगी ंदा करके यहाँ की आपको कैपिटल मिल जाएगी तो एक ही ऑप्शन बच गया नाइजीरिया तीनों याद करने हैं सर हमें हमें सारे याद करने हैं ठीक है हमारा टारगेट है कि हम सब कुछ याद करने का प्रेजेंट करेंगे कोशिश करेंगे ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए ठीक है ब्रूंडी की राजधानी गिटीगा है इथोपिया की एडिस अबाबा है और अंगोला की कौन सी है लोहांदा अब कौन सा बच गया हमारे सामने है नाइजीरिया नाइजीरिया की राजधानी क्या रहेगी सर नाइजीरिया की राजधानी रहेगी अबूजा जिस प्रकार से श्रीलंका की राजधानी आपसे पूछ लेता है जयवर्धनी रहेगी कोलंबो रहेगी जिस प्रकार से आपसे वो नेपाल की पूछ सकता है जिस प्रकार से श्रीलंका की पूछ सकता है जिस प्रकार से मालदीव्स की पूछ सकता है मलेशिया की पूछ सकता है उसी प्रकार से जो भी चीज़ न्यूज़ में है वो आपसे उसकी राजधानी पूछ सकता है ठीक है सर नोट्स कैसे बनाएं बता दीजिए प्लीज आप बेफिक्र रहिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा उसमें वो आपको समझा दूंगा अभी आपका केवल एक लक्ष्य होना चाहिए सीएचएसएल का एग्जाम नजर आना चाहिए ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो बारहवीं पास ना हो सर पच्चीस की गारंटी मेरी है पच्चीस तुम्हारे टिक करवा दूंगा कैसे भी करके तुम जब कमेंट करोगे ना पेपर में पेपर देने के बाद तो तुम यही बोलोगे सर सवाल सारे टिक करके आए चौबीस क्वेश्चन तक टिक करवाने की गारंटी हो जाएगी ठीक है एक तुम गलत करके ही आओगे क्योंकि दिल नहीं भरेगा ना तुम्हारा अगला सवाल ये जो वेबनाड रेल ब्रिज है ना ये किस भारतीय राज्य में मौजूद है ये जो रेल ब्रिज है ये भारत में किस जगह पर मौजूद है किस राज्य पर मौजूद है ऑप्शन है सर आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा या फिर केरल एक चीज और याद रखना सर ये सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है सेकंड लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज है ये याद रखना सेकंड लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज इसकी कुल मिलाकर लंबाई कितनी है फोर किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई आपको मिल जाएगी कितनी लंबाई मिल जाएगी सर 4.62 किलोमीटर आपको इसकी लंबाई मिल जाएगी किस पर मौजूद है सर ये वेबनाड झील पर मौजूद है किस पर मौजूद है सर ये वेबनाड झील पर वेबनाड लेक पर ये मौजूद है लंबाई आपने देख ली 4.62 किलोमीटर अगर वो सबसे लंबा ब्रिज पूछ जाए आपसे कि रेलवे का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है तो उस परिस्थिति में आप जवाब दोगे कि सर रेलवे का जो सबसे लंबा ब्रिज है ना उसका नाम है बोगी बिल उसका नाम क्या है उसका नाम है सर बोगी बिल ब्रिज और ये बोगी बिल ब्रिज किस नदी पर मौजूद है सर फटाफट फड़ से अगर कमेंट करके बता सकते हैं तो बताइए बोगी बिल ब्रिज सर आपको ब्रह्मपुत्रा नदी पर नजर आएगा किस पर नजर आएगा ये आपको ब्रह्मपुत्रा नदी पर नजर आएगा और सर ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना इस ब्रह्मपुत्रा नदी को मतलब ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी जब भारत में प्रवेश करती है ना तो ये इस प्रकार से घोड़े की नाल की आकृति बनाती है इस प्रकार से भारत में प्रवेश करती है ये इस प्रकार से घोड़े की नाल की आकृति बनाएगी और ब्रह्मपुत्रा नदी को ही बोला जाता है सर मस्कुलर रिवर ये मस्कुलर रिवर है सर मस्कुलर नदी है आज 500 विद्यार्थी नहीं जुड़े ना भाई देखो तो मैं मायूस होकर जाऊंगा अगर मायूस नहीं चलना चाहते अपने गुरु को देखो मैं शानदार तरीके से पढ़ाता हूँ सर बैठ के चार घंटे इस पर काम करता हूँ तब जाके सवालों की एक्सप्लेनेशन निकलती है क्लियर सवाल का सही जवाब सर देना बहुत आसान होता है मैं कोई भी दे देगा सवाल का सही जवाब अकेला मैं नहीं कोई भी दे देगा आपको इस सवाल का सही जवाब कि सवाल का सही जवाब ए है बी है सी है डी है मगर सर एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है क्लियर सवाल का सही जवाब केरल है सर ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है इसके अलावा आपने देख लिया लंबाई कितनी है 4.62 किलोमीटर इसकी आपको मेरे ख्याल से 4.92 किलोमीटर मिल जाएगी दोनों का ही उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था ये वाली केरल में मौजूद है किस नदी पर मौजूद किस झील पर मौजूद है तो वेमनाड लेक के ऊपर मौजूद है ध्यान रखना अच्छा सवाल है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस है कहां पर है कोची में मौजूद है केरल में मौजूद है सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज रेलवे ब्रिज इन इंडिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट भी आपने देख लिया सेकेंड भी आपने देख लिया ठीक केरल के, के मुख्यमंत्री आपको कौन मिल जाएंगे सर पिनारियन विजयन यहां पर बैठे हुए नजर आएंगे इसके अलावा गवर्नर जो आपको नजर आएंगे उनका नाम आरिफ मोहम्मद है ये आरिफ मोहम्मद की भी सर एक लंबी चौड़ी कहानी है ये राजीव गांधी सरकार में राज्य मंत्री थे सर आरिफ मोहम्मद की बात कर रहा हूं यहां पे मैं क्लियर राजीव गांधी सरकार में राज्य मंत्री थे इस्तीफा दे दिया था अपने पद से रीजन है उसके पीछे बोलोगे तो पढ़ाऊंगा किसी दिन अगला सवाल सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कवाचा इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री ये जो कवाचा है ना ये किस देश की करंसी है कवाचा इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री ऑप्शन है आयरलैंड कुवैत जाम्बिया या फिर नॉर्वे चलिए फटाफट फड़ से जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट फड़ से प्लीज़ ऑल स्टूडेंट शेयर द क्लास भाई देखो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत तुम्हारी भी बनती है एक बार लगा दे जान इतनी कि दोबारा ना लगानी पड़े भाई जीवन में एक बार ही लगा दे बस जान इतनी कि दोबारा ना लगानी पड़े इस जीवन में और रूह भी तेरा साथ दे जब तू लिखे अपनी तकदीरों को भाई ऐसी जान लगा दे विद्यार्थी कि एक बारी में सिलेक्शन हो जाए एक बारी में एक बारी में डंके की चोट पर ये जो बार बार का चक्कर है ना कि मेरा गुरुजी दो नंबर से रह गया मेरा एक से रह गया मेरे आधे से रह गया भाई इस बार इसको खत्म करना है सौ फीसदी सिलेक्शन देना है किस बैच में बैच है एल्फा मात्र अभी साढ़े के आसपास तुम्हें मिल रहा है सी लगाओ कोड शानदार तरीके से सी सीएचएसएल पचास लगाओ शानदार तरीके से भाई साहब जानदार तरीके से पढ़ाएंगे वहां तुम्हें डंके की चोट पे कहते हैं कि सिलेक्शन पक्का है तुम्हारा सौ फीसदी सिलेक्शन है बस तुम्हें साथ में क्या करना है पढ़ना है और कुछ नहीं करना ये छह महीने नहीं तू केवल तीन महीने दे दे अपनी जिंदगी के विद्यार्थी बाकी हम पे छोड़ दे सवाल का सही जवाब क्या रहेगा कवाचा इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री सर कवाचा जांबिया की ये जो जाम्बिया आपके सामने लिखा है ना सर इसकी मुद्रा मिल जाएगी सर वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि भारत में ये जो रूपी हम यूज कर रहे हैं ना ये रूपी देने वाला भारत में कौन था वो कौन सा पहला शासक था जिसने रूपी शुरू करवाया तो आपको पढ़ना पड़ेगा शेर शाह सूरी के बारे में सूरी वंश का संस्थापक के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा किस प्रकार से मौत हुई थी शेर शाह सूरी की किस प्रकार से कालिंजर को विजय करने के लिए गया था और जैसे ही चलाएगा तोप का गोला कालिंजर की दीवार पर दीवार पर लगकर वापस आएगा और जहां खड़ा होगा वहीं बारूद मौजूद था उस बारूद में लग जाएगी आग और उसके बाद वही उसकी मौत हो जाएगी इस वजह से ठीक है जी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा सोच रहे सूर्य को लपेट दिया इसके साथ साथ सर बाबर हुमायूं सबको लपेटने का दम रखते हैं एक साथ एक ही क्वेश्चन में किसने शुरू करवाया था रुपया सूर्य वंश का संस्थापक शेर शाह सूर्य कहां मिल जाएगा उसका मकबरा सासाराम बिहार में याद रखिएगा भाई इंपॉर्टेंट है इतिहासकार यह कहता है अगर वो जिंदा होता मरता नहीं तो अकबर से भी बड़ा अकबर से भी बड़ा शासक होता बहुत नाम होता अगर वो जिंदा होता उसके द्वारा ऐसी ऐसी नीतियों को शुरू करवाया जो किसी ने नहीं करवाया जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में आप जानते हो भाई सब साथ में सराय बनवाए कहाँ बनवाए रोड पे अगला सवाल विच ऑफ दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कर्नाटका निम्नलिखित में से वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कर्नाटका में मौजूद है सर कर्नाटका वाला बच्चा भी टिक कर देगा सर चारों टिक करेंगे हम तो हम तो नमेरी भी करेंगे कुद्रामुख भी करेंगे खीर गंगा भी करेंगे और इंद्रावर्ती भी करेंगे चारों टिक करेंगे सर चलिए शानदार तरीके से एक बार जान लगा दीजिए भाई विद्यार्थी फटाफट से एक बार जानदार तरीके से क्लास को शेयर करिए फटाफट से लाइक कीजिए ऐसा मौका फिर कहा मिलेगा भाई और हमारे जैसा दिल कहां मिलेगा तुम्हें आओ तुमको दिखलाते हैं आज ऐसी शाम जिसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा सौ फीसदी चलिए भाई कहां पर मौजूद है अगर नमेरी पूछ जाए नमेरी नेशनल पार्क कहां पे मौजूद है सर असम में मौजूद है नमेरी नेशनल पार्क कहा मौजूद है सर असम में मौजूद है राजधानी पूछी थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में असम की राजधानी दिसपुर है सर सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है और गुवाहाटी में ही मौजूद है ध्यान रखिएगा असम के गुवाहाटी में मौजूद है अगर कुद्र पूछ जाए सर कुद्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ये तो पूछ ही रखा है उसने इस कुद्रामुख कहाँ पे मौजूद है सर कुद्र मुख कर्नाटका में मौजूद है अगर खीर गंगा पूछ जाए खीर गंगा कहाँ मौजूद है सर ये वहां पर मौजूद है जहां पर पिन वैली भी मौजूद है मतलब हिमाचल प्रदेश में मौजूद है कुद्रामुख कहाँ मौजूद है सर कुद्रामुख हिमाचल प्रदेश में मौजूद है अगर इंद्रावती पूछ जाए तो सर इंद्रावती कहाँ मौजूद है इंद्रावती मौजूद है सर छत्तीसगढ़ में कहाँ मौजूद है सर छत्तीसगढ़ में मौजूद है फटाफट बता विद्यार्थी छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है सर कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में जिसकी जीरो एक्सपेक्टेशन रहती है चारों याद हो गए नमेरी पूछेगा क्या टिक करोगे नमेरी पूछेगा असम टिक करोगे असम गुवाहाटी अगर पूछेगा सर वो खुदरा मुख नेशनल पार्क कहाँ मौजूद है सर कर्नाटका टिक करके तुम आगे बढ़ जाओगे अगर वो तुमसे पूछेगा कि भाई खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ मौजूद है तुम हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में ही आपको मिल जाएगा सर पिन वैली भी इसके अलावा अगर वो आपसे पूछेगा इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर मौजूद है छत्तीसगढ़ टिक करके विद्यार्थी आगे बढ़ जाएगा याद रखना नेशनल पार्क लिखा है अगर इंद्रावती डैम पूछेगा तो वो कहां मौजूद है फटाफट बताइए कमेंट करके इंद्रावती डैम अगर पूछ जाए तो क्या रहेगा सवाल का सही जवाब आठवां सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्टेट इज द अंबर फोर्ट फोर्ट या फिर लोकेटेड भारत में वो कौन सा स्थान है सर जहां पर आम्बेर फोर्ट लोकेटेड है एक सवाल और पूछूंगा सर डांस फॉर्म के बारे में आपने सुना होगा ये जो भवाई डांस फॉर्म है ना सर ये भवाई डांस फॉर्म भारत के किस राज्यों में परफॉर्म की जाती है सवाल यहां पर यह है एक नहीं सर दो राज्य मिलेंगे एम टी एस का रिजल्ट कब आएगा सर एज सुन एज पॉसिबल जल्दी ही देखेंगे आप एम टी एस का रिजल्ट क्लास को एक बार शेयर कीजिए फटाफट से क्लास को एक बार जल्दी से लाइक कीजिए आज तुम्हारे हाथ में है भाई हमारी शान तो पांच सौ पार पहुंचा दीजिए फटाफट से क्लास को जल्दी से नमेरी कुद्रामुख सारे आपको बता दिए कहां पर कहा पर क्या मौजूद है कल आपने एक दीवार के बारे में पढ़ा था एक बॉल के बारे में पढ़ा था मैंने आपको समझाया था कि बॉल है मतलब दुनिया की सबसे लंबी अगर दीवार में पूछ जाएगा तो कहां पर मौजूद है चाइना में मौजूद है मगर अगर सवाल ऐसे जाए कि Great Wall of China की जैसी ही दुनिया की सबसे लंबी दूसरी कहां पर है, तो कुंभलगढ़ करके जवाब अच्छा राजस्थान है, है।, है राजस्थान में कहा मौजूद है भ्रमण करने के लिए जाएंगे ना तो आपको जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जयपुर का इंटरनल जो पार्ट है ना जो अंदर वाला जयपुर है उसे किस लिस्ट में रखा गया है जयपुर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जयपुर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है सर यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है सर यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में मौजूद है फ्रांस की राजधानी पेरिस है साथ साथ सर जो 2024 में करवाए जाएंगे समर ओलंपिक दो प्रकार के नहीं तीन प्रकार के ओलंपिक मिलेंगे एक समर मिलेगा सर एक पैरा ओलंपिक मिलेगा जिसकी शुरुआत 1964 में की गई थी इस बार सोलवे नंबर के करवाए गए थे और सर एक विंटर ओलंपिक मिलेगा जिसमें भारत को आज तक एक भी मेडल प्राप्त नहीं हुआ है सर विंटर ओलंपिक में इस बार जो सिलेक्ट हुए हैं खिलाड़ी उनका नाम आरिफ मोहम्मद है कौन सा खेल खेलते हैं स्कीकिंग वो उसपे करते हैं ना बर्फ पे उसकी बात कर रहा हूं एक साथ देख रहे हो कितनी सारी चीजों को यहां पर हमने कनेक्ट कर लिया है ठीक है सवाल का सही जवाब राजस्थान राजस्थान में कुंबलगढ़ फोर्ट भी आपको मिल जाएगा वो भी याद रखना पेरिस फ्रांस की राजधानी यूनेस्को वर्ल्ड यूनेस्को का हेडक्वार्टर वहां मिल जाएगा इंटरनल पार्ट जयपुर का भी हमने देख लिया उसे रखा गया विश्व धरोहर में क्लियर एक बार दम लगाकर शेयर मारो भाई साहब देखो ऐसे काम नहीं चलेगा पांच विद्यार्थी जोड़ने आज तुम देख लो तुम्हारे हाथ में आज ये तुम्हारे हक की बात हो रही है यहाँ पे चलिए कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क भारत में कहां पर मौजूद है सर ये जो कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है ना ये भारत में कहां पर मौजूद है जल्दी से जवाब दीजिए तमिलनाडु केरल तेलंगाना या फिर कर्नाटका चलिए जी फटाफट पड़. आरिफ मोहम्मद सर आरिफ मोहम्मद बहुत बढ़िया चलिए सवाल का जवाब दीजिए कौन सा खेल खेलते हैं सर स्कींग की बात कर रहा हूँ स्कीकिंग का मतलब है जो बर्फ पे वो करते हैं ना ऐसे करके उसकी बात कर रहे हैं यहां पर क्या रहेगा सवाल का सही जवाब फटाफट से जवाब फट देने की कोशिश कीजिए भवाई डांस किस राज्य में रहेगा सर राजस्थान और गुजरात दोनों ही याद रखने आपको डिपेंड करेगा एग्जाम में सर आपको टिप्स पर याद है मेरा क्या होगा अरे मैं थोड़ी जा रहा हूँ एग्जाम देने के लिए मैं नेट जी दूंगा इस बार पॉलिटी से या हिस्ट्री से डिपेंड करेगा किससे दूंगा ठीक है जैसे अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो सर हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ रखा हमने यूँ पढ़ रखा कि हुमायूं की मौत कैसे हुई थी सीढ़ियों से गिर के सर हुमायूं की मौत सीढ़ियों से गिरकर जरूर हुई थी मगर सर अफीम के नशे में पूरी तरह चूर था हुमायूं और इतनी मदरा का सेवन कर रखा था कि जैसे ही और बिल्कुल कट्टर था मतलब धार्मिक तौर पर कट्टर था और जैसे ही अजान का समय होगा सर अजान करने के लिए उठेगा सीढ़ियों के पास और जैसे ही बैंड होगा ना सर तो सीढ़ियों पर पैर लुड़केगा और नीचे गिरता हुआ जाएगा और सर में भयंकर चोट लगेगी उस समय अकबर कहाँ पर मौजूद था सर अकबर आपको मिलेगा पंजाब वाले क्षेत्र में वहां पर किसके साथ मौजूद था सर बैरम खान के साथ मौजूद था और जब यह खबर पहुंचेगी अकबर के पास कि नहीं रहा कौन बताएगा बैरम खान ही बताएगा जब ये खबर पहुंचाएगा कि भाई नहीं रहा तो गले लगकर रोएगा अकबर उस समय मात्र तेरह वर्ष की आयु थी और आवाम में यह बात पहुंचाई ही नहीं जाएगी कि मौत हो गई है किसकी मौत हो गई है हुमायूं की मौत हो गई है ये बात नहीं पहुंचाई जाएगी हुमायूं के स्थान पर उसी के कदकाटी के व्यक्ति को पर्दे के पीछे बिठा दिया जाएगा बादशाह बनाकर ठीक है और जहां से गिरा था वो स्थान का निर्माण किसने करवाया था शेर शाह सूरी ने और उस ही स्थान पर वो क्या बनाता है अपनी लाइब्रेरी बनाता है तो शेर शाह सूरी और एक बदनसीब बादशाह के बारे में आप देख रहे हो हुमायूं के यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ठीक है बहुत जबरदस्त इतिहास है सर अगर हुमायूं का इतिहास आप पढ़ोगे अकबर के बारे में पढ़ोगे सर शानदार तरीके से पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ोगे सर बहुत ही गजब चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए सर ठीक है सवाल का सही जवाब क्या रहेगा कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क भारत में कहां पर मौजूद है चलिए जी काशु ब्रह्मरंदा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर मौजूद है बहुत बेसिक सवाल है सर यह भारत का उनतीसवां राज्य बनाया गया था सवाल का सही जवाब यहाँ पे तेलंगाना है इस सवाल का सही जवाब तेलंगाना है भारत का उनतीसवा राज्य बनाया जरूर गया था मगर मौजूदा समय में भारत में सर कितने राज्य हैं सर मौजूदा समय में ना भारत में जो राज्य हैं उनकी संख्या 28 है और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं सर आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं नौ मत टिक कर देना पेपर में क्योंकि दमन दीव दादर नागर हवेली को एक बना दिया गया था जिसकी राजधानी दमन है क्लियर कहां पर उनतीसवा राज्य था सर कब बनाया गया था दो जून दो हजार चौदह को इसका निर्माण किया गया था दो जून दो हजार चौदह को किस कमेटी की सिफारिश पर सर एस एन कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर इसका निर्माण किया गया था किस कमेटी की सिफारिश पर एस एन कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर और इस कमेटी ने ही रिकमेंड किया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों की ही एक राजधानी रहेगी हैदराबाद दस सालों के लिए यह बात याद रखना मगर तुम्हारे एग्जाम में अमरावती देगा तो तुम्हें टिक करना पड़ेगा मगर आंध्र प्रदेश ने तीन राजधानियों को बनाने की मांग की थी जो अभी पास नहीं हो पाया अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन इन स्टेट इज द इंटरनेशनल क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम स्टेडियम लोकेटेड अंतरराष्ट्रीय भारत में कहां पर मौजूद है चलिए जी इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता सर बिल्कुल बेसिक सवाल है बिल्कुल ही बेसिक क्लास को एक बार शेयर कीजिए फटाफट से <coughs> बहुत बढ़िया जी क्लास को एक बार शेयर कीजिए क्लास को एक बार शानदार तरीके से लाइक कर दीजिए सभी विद्यार्थी मिलकर तुम मतलब तुम्हें कभी कभी समझ नहीं आता तुम पांच सौ विद्यार्थी जुड़ पा रहे मतलब ऐसा क्या एक बार दम लगा के मार दीजिए सर सारे ग्रुपों में आराम से जुड़ जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से बस एक बार शेयर करना है तुम्हें शांति से चलिए एसन कृष्णा कमेटी हो गई प्लीज ऑल स्टूडेंट शेयर एंड लाइक द क्लास क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर सैफाई से संबंधित सवाल है कि ये जो सैफाई इंटरनेशनल स्टेडियम है ना सर ये भारत में कहाँ पर मौजूद है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है हरियाणा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ऑप्शन है मेघालय ऑप्शन है मध्य प्रदेश क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सर किसी भी राज्य के भ्रमण पे निकल जाइए आप आपको जिस राज्य के बारे में आपको पढ़ना है आप निकल जाइए उस राज्य के बारे में पढ़ने के लिए जैसे मान के चलिए अगर मैं मेघालय जाऊंगा ना तो सबसे पहले मैं सवाल क्या पढ़ूंगा कि मेघालय को कहा जाता है आधा स्वर्ग हाफ हेवन क्यों कहा जाता है क्योंकि जन्नत के तरीके से वहां पर आपको नजर आएंगी चीज़ें हाफ हेवन कहा जाता है अगर पूरे हेवन की हम बात करें तो आपको जाना पड़ेगा सर कश्मीर कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है किसने कहा था सर कश्मीर को स्वर्ग कहने वाला व्यक्ति आपको नजर आएगा आमिर खुसरो आमिर खुसरो कौन था सर आमिर खुसरो राजकवि था किसके दरबार में था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में राजकवि था आमिर खुसरो और आमिर खुसरो की जो दरगाह है या आमिर खुसरो की जो मज़ार है वो आपको कहाँ मिल जाएगी सर वो आपको मिल जाएगी निज़ामुद्दीन औलिया के चरणों में कदमों में आप निजामुद्दीन औलिया कौन थे उन्हें ही जानते हैं महबूबे लाही के नाम से आप सभी लोग जानते होंगे निजामुद्दीन औलिया साहब के मतलब जो एक मुस्लिम धर्म के बहुत ही फेमस संत थे उनके बारे में सवाल का सही जवाब सर यहाँ पे उत्तर प्रदेश है ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है आप सभी लोग जानते हैं सर उत्तर प्रदेश में आपको आगरा नजर आएगा आगरा की स्थापना करवाई गई थी 1504 में 1504 में कब करवाई गई थी सर आगरा की स्थापना 1504 में किसके द्वारा करवाई गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा सिकंदर लोधी का ही अंतिम वंशज मतलब जो आपको पता है कौन सा मिलेगा तो भाई इब्राहिम लोधी युद्ध लड़ेगा किसके साथ युद्ध लड़ेगा बाबर के साथ और भारत में किस वंश की स्थापना हो जाएगी वंश की स्थापना हो जाएगी मुगल डायनेस्टी की स्थापना हो जाएगी ठीक है ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं सभी चीजें याद रखनी जरूरी है ऐसे ही लगती है भाई नौकरी सिंपल तरीके से कभी किसी की नौकरी नहीं लगी थोड़ा काम करना पड़ता है थोड़ा मशक्कत करना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है अगला सवाल है द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन ढाका इनमें से किस संगठन का मुख्यालय ढाका में मौजूद है सर ढाका में मौजूद संगठन का मुख्यालय बताइए बिन्स्टेक है है आशियान है या फिर एपिक है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय कहां पर मौजूद है सर चलिए कभी कभी ना थोड़ी थोड़ी चीजों को भी अगर आप धीरे धीरे जैसे मान के चलिए अगर डेली बेसिस पर भी हम रिवाइज करेंगे ना तो भी काम चल जाएगा ठीक है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब लोधी वंश के बारे में आपने पढ़ लिया इतिहासकार कहते हैं अगर अगर वो वाला युद्ध ना जीता होता तो शायद इतना इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती पंद्रह में पानीपत का बैटल हुआ था किस नीति का इस्तेमाल किया गया था का इस्तेमाल किया गया था सर आराम से ठीक है जी बहुत बढ़िया बिल्कुल शांति से सर यूपीएससी के लिए ऑप्शनल हिस्ट्री ठीक रखने के लिए हाँ जी ऑप्शनल रखिए आप हिस्ट्री को कोई इशू नहीं है देखिए मेरे साथ में ये है कि मैं चाहता हूं आपको धीरे 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 करके सारे प्रकार के ज्ञान को दे दिया जाए थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए द हेडक्वार्टर ऑफ िस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन ढाका निम्नखित में से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको ढाका में मिल जाएगा चलिए एक बार देख लेते हैं किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है अगर आप सार्क के हेडक्वार्टर की बात करेंगे मान लीजिए पहले हेडक्वार्टर की बात ना करके हम बात कर लेते हैं कि सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज मौजूद है तो इसको याद करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एम बी बी एस स्पेन को किसे पढ़ना पड़ेगा सार्क कंट्रीज को याद करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एम बी बी एस स्पेन को सर ये मालदीव है ये बांग्लादेश है लिख दू क्या ये मालदीव है ये बांग्लादेश है सर ये भूटान है ठीक है ये भूटान है ये श्रीलंका है सर ये पाकिस्तान है इसके अलावा ये अफगानिस्तान है सर ये इंडिया है और सर ये नेपाल है ठीक है पेन वाला पॉइंट आपको याद होगा ये कौन सी कंट्रीज है सर ये सार्क कंट्रीज है ये वाला पॉइंट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है सर सार्क की स्थापना की गई थी 8 दिसंबर उन्नीस को सार्क की स्थापना की गई थी 8 दिसंबर उन्नीस को सार्क का हेडक्वार्टर जो मौजूद है सर वो नेपाल काठमांडू में मौजूद है कहां पर मौजूद है नेपाल काठमांडू में मौजूद है सार्क का हेडक्वार्टर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा बहुत सारे चांसेस है कि डायरेक्ट ही पूछ लिया जाए सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है वाला पॉइंट याद रखना कितनी कंट्रीज मौजूद है सर MBBS, पेन ये हो गए अपनी मालदीव की बात कर रहा है यहां पर अपनी भूटान यहां पर बांग्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया और नेपाल स्थापना कब की गई थी 8 दिसंबर पिछासी को एक पॉइंट क्लियर हो गया सार के बारे में लीजिए फटाफट से एक बार इसका अगर किसी को नहीं पता तो एक बार बारीनशॉट लीजिए इसका पहले जल्दी से सार का हेडक्वार्टर देख लिया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से जल्दी से और क्लास को एक बार फटाफट से दोबारा से सभी लोग मिलकर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए प्लीज भाई सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करके पांचों के पार पहुंचाइए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार अगली दूसरी देख लीजिए फटाफट फड़ से अगर वो आपसे G7 पूछता है कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं तो आप जवाब देंगे सर जूस विद जी एफ, ठीक है आप जवाब देंगे सर जूस विद जी एफ. कौन कौन सी कंट्री मौजूद है सर किस में जी सेवन में सर ये जापान है ये जापान आप लिख लीजिए अगर आपको लिखना है ये जापान है यहां पर ये बात कर रहे हैं सर यूएसए की यहां पर वो बात कर रहा है सर इटली की ठीक है यहां पर वो बात कर रहा है सर कैनेडा की चाइना मत लगा देना पेपर में यहां कैनेडा की बात कर रहा है यहां वो बात कर रहा है सर इंग्लैंड इंग्लैंड मतलब यूके की बात कर रहा है ठीक है यहां पर वो इंग्लैंड की बात कर रहा है इंग्लैंड मतलब यूके की बात कर रहा है यहां पर सर वो जर्मनी की बात कर रहा है ठीक है यहां पर वो जर्मनी की बात कर रहा है और ये कंट्री का नाम क्या है सर इस कंट्री का नाम है फ्रांस इसका भी स्क्रीन शॉट लीजिए जल्दी से जूस विद जी एफ वाला जूस विद जी एफ हाँ जूस विद जी एफ अब तुम पीने मत निकल जाना कहीं जूस विद जी एफ निकल जाओ तुम पीने ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जूस विद जीएफ एफ वालेगा मैं सारी करा देता हूँ एक साथ वो वाला देख लिया जूस विद कैटरीना अच्छा तुम्हें तो मिल रहा है मौका तो फिर विक्की कौशल क्या करेंगे विक्की कौशल चाय पियगे क्या घर में बैठ के तुम कैटरीना के साथ जूस पियोगे और वो वहां चाय पियंगे मतलब कमाल की बात है भाई शादी हो गई है कैटरीना कैफ की तुम अभी भी छोड़ दो अब तो पीछा छोड़ दो कम से कम रवनीश अग्रवाल जी क्या कर रहे हो ठीक है ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया जूस विद जीएफ वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए शानदार तरीके से बहुत बढ़िया सार्क वाला ले लिया था सार्क वाले का क्या था एमबीबीएस पेन आशियान ग्रुप का समझ लीजिए अब आशियान ग्रुप का क्या है ठीक है आशियान वाला भी देख लो भाई एक बार मैं सारे लिखवा देता हूं तुम्हें ताकि सारे एक साथ ही क्लियर हो जाए आशियान को याद करने की ट्रिक, ट्रिक क्या रहेगी सर आशियान को याद करने की ट्रिक सर आपके लिए रहेगी क्लिप ऑफ एमबीबीएस टीवी ठीक है क्या रहेगी ट्रिप क्लिप क्लिप ऑफ एमबीबीएस क्लिप ऑफ एमबीबीएस टीवी यहां पर ट्रिक रहेगी याद रखना भाई सबसे पहले तो टीवी को उठा लीजिए सर ये थाईलैंड है और ये वियतनाम है सारे लिख लो भाई एक साथ मेरा यही चांस मतलब यही मौका है एक बार मान लो लास्ट ही मौका है एग्जाम को क्वालिफाई करने का यार क्वालिफाई कर ही लेते हैं ना यार इतने साल से मेहनत कर रहे हैं इतने साल से पढ़ रहे हैं हम आज भी अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ना या तो हम ठीक नहीं पढ़ रहे या तो हमें ठीक पढ़ाया नहीं जा रहा तो एक ही साथ लिख लीजिए ठीक है आपने ये देख लिया चार कंट्रीज आपने देख ली बहुत अच्छे बहुत शानदार लगभग तीन सौ पिचहत्तर बालक हैं अगर एक शेयर और मार देगा तो पांच सौ तक पहुंच जाएंगे आराम से सर एक हिस्ट्री की मैराथन लेके आओ जरूर लेकर आऊंगा पहले तुम काम तो बनाओ ठीक है क्या ट्रिक है क्लिप ऑफ एम टीवी इसकी ट्रिक रहेगी लास्ट से उठाया है टीवी में थाईलैंड और वियतनाम कर लो ठीक है इसके अलावा क्लिप में कौन रहेगा सर कंबोडिया लेस इंडोनेशिया ठीक है कंबोडिया लेस इंडोनेशिया ये यहां पर आपको मिल जाएंगे याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर सभी सवाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चांसेस हैं कि एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए ठीक है क्लिप में क्या हो जाएगा कंबोडिया इसके अलावा लेओस हो जाएगा इसके अलावा क्या हो जाएगा सर इंडोनेशिया हो जाएगा और अगर बात करें एमबीबीएस की सर वहां पे हो जाएगा मलेशिया बर्मा और ब्रूनी और सिंगापुर ठीक है ये हो जाएगा क्या मलेशिया बर्मा बर्मा मतलब म्यांमार की बात कर रहा है ये ब्रूनी हो जाएगा और ये सिंगापुर हो जाएगा टीवी में आपने देख लिया थाईलैंड और वियतनाम हो जाएगा ट्रिक अच्छी है इंपॉर्टेंट है याद रखना सार्क वाली देख ली इसके अलावा तुमने आशियान वाली देख ली इसके अलावा तुमने कौन सी देख ली जी सेवन वाली देख ली अब आता है सर सवाल का सही जवाब कि इस सवाल का सही सर पेड कोर्स कैसे लिया जाता है सर आप ऑफलाइन में कमेंट करके जाना सर्विंद यादव जी आप ऑफलाइन में कमेंट करके जाना वहां पर आपको समझ आ जाएगा पेड कोर्स का तरीका क्या है लेने का सवाल का सही जवाब सर बेम्सटेक है अगर मान लीजिए वो पूछ गया बेम्सटेक में कौन कौन सी कंट्री है तो याद कर लीजिए भूटान इंडिया बांग्लादेश म्यांमार नेपाल श्रीलंका थाईलैंड इसकी स्थापना कब की गई थी सर इसकी स्थापना की गई थी छह जून नाइनटीन को कब स्थापना की गई थी बेमस्टेक की बेमस्टेक की स्थापना की गई थी सर 6 जून 1997 को सार्क की स्थापना पूछेगा तो क्या टिक करोगे 8 दिसंबर अठारह सो आठ दिसंबर उन्नीस सौ पिचासी इसको टिक कर देना बिमस्टेक वाला पॉइंट भी टिक कर दोगे काम चल जाएगा मैंने लगभग तीन चार तुम्हें करवा दिए एक साथ याद रखना अच्छे क्वेश्चन है पूरे चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने के नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल सर वट इज द करेंसी ऑफ कंट्री हुज करंट प्रेजिडेंट इज व्लादिमार पुतिन उस देश की मुद्रा क्या है सर जिस देश के मौजूदा राष्ट्रपति का नाम क्या है व्लादिमार पुतिन है चलिए जी फटाफट जवाब दीजिए एक बार जिस देश की मुद्रा का नाम क्या है जिस देश के मौजूदा राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमार पुतिन फटाफट एक बार जवाब दीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब व्लादिमार पुतिन वाला पॉइंट है सर फटाफट फड़ जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट फड़ जवाब देने का प्रयत्न कीजिए अच्छा सवाल है एग्जाम में पूरे चांसेस है सर पूछे जाने के क्या है सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी या फिर सी एक सवाल आपसे और पूछूंगा कि राष्ट्रपति का नाम तो सर व्लादिमार पुतिन है रशिया के बताइए रशिया के मौजूदा प्रधानमंत्री का नाम क्या है रशिया के मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है सर इसका जवाब और दे दीजिए रशिया के मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है साथ साथ एक चीज और याद रखना सर कि रशिया की राजधानी क्या है सर राजधानी रहेगी मॉस्को ठीक है तो मॉस्को राजधानी रहेगी कैपिटल रहेगी ये भी याद रखना सर रशिया आप जानते हैं किसका पार्ट हुआ करता था रशिया पार्ट हुआ करता था सर यूएसएसआर का इसका पार्ट हुआ करता था यूएसएसआर का यूएसएसआर की फुल फॉर्म रहेगी सर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसको ब्रेकडाउन कब किया गया था इसे ब्रेकडाउन किया गया था थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसम्बर 1991 को कब उन किया गया था थर्टी फर्स्ट ऑफ डिसंबर 1991 को कितने पार्टों में टूटा था सर ये 15 पार्टों में टूटा था 15 भागों में ये टूटा था याद रखना इसमें सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है रशिया है इसी में आपको उजबेकिस्तान इसी में आपको तुर्कमेनिस्तान इसी में आपको किर्गिस्तान कजाकिस्तान ये सभी कंट्रीज इसी में आपको नजर आएंगी साथ साथ यूक्रेन भी आपको नजर आएगा ठीक है मिकाली यहां पर आपको मिल जाएंगे मिकाली मिकाली नाम के प्रधानमंत्री यहां पर आपको मिल जाएंगे ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा करेंसी क्या है सर करेंसी है रूबल राजधानी है मॉस्को राष्ट्रपति का नाम क्या है सर राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमर पुतिन कब ब्रेक हुआ था सर ब्रेक हुआ था 1991 में यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है थर्टीन नंबर का क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द जल्दा पारा नेशनल पार्क लोकेटेड भारत में वो कौन सी जगह है जहां पर जल्दा पारक राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है चलिए जवाब दीजिए जी अगला सवाल क्या रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी ये जो पारा राष्ट्रीय उद्यान है ना जल्दा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर मौजूद है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फटाफट फड़ से जवाब देने की कोशिश कीजिए अच्छा सवाल है सर पूरे चांसेस है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए सवाल जल्दा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर मौजूद है क्या है सवाल का राम राम गुरु बहुत बहुत स्वागत है सर ऑफिसर जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका क्लास में हाँ मैं खाली बहुत बढ़िया यूक्रेन की यूक्रेन के साथ जो चल रहा है डिस्प्यूट आप देख ही रहे हैं यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने की बात की जा रही है नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडियो ऑर्गेनाइजेशन नेटो की स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को जो नेटो का हेडक्वार्टर है वो आपको मिल जाएगा ब्रजल्स बेल्जियम में क्लियर ये भी याद रखना कितनी कंट्रीज नंबर है ट्वेंटी नाइन थर्टी कंट्रीज आपको वहां पर मैंबर मिल जाएंगे बहुत बढ़िया ये जल्दा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर मौजूद है आज मौजूदा जो सुबह हमारी मतलब आज जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने बात किया कि बंगाल विभाजन कब हुआ 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में टूट दिया तोड़ दिया गया सर जाति मतलब धर्म के आधार पर ही टूटा था, था। ठीक है जो वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र था उसकी जो आबादी थी लगभग साढ़े पांच करोड़ बची थी और जो ईस्ट बंगाल वाला क्षेत्र था उसकी आबादी लगभग टू करोड़ बची थी जो ईस्ट बंगाल वाला क्षेत्र था जो आगे जाके सर पूर्व पाकिस्तान बनेगा उसकी आबादी मुस्लिम मेजोरिटी वाली थी और जो वेस्ट बंगाल था उसकी आबादी हिंदू मेजोरिटी वाली थी क्लियर तो आप समझ सकते हो कि ये जो अंग्रेजों की नीति थी ना फूट डालो

फेज नाइन वाला एग्जाम सर मैं पूरा फोकस करिए अपना किसके ऊपर सी एच एस एल के ऊपर अगर एम टी एस की तैयारी कर रहे हैं एम टी एस पे फोकस कीजिए उसकी भी नोटिफिकेशन आएगी सी जी एल की तैयारी कर रहे हैं सर आप फोकस कीजिए हम पे छोड़ दीजिए बाकी सभी चीज़ों को ठीक है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सौरभ घोषाल जी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है वो कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में जैसे वो सवाल आरिफ मोहम्मद वाला भी आ सकता है कि आरिफ मोहम्मद साहब का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है आप जवाब देंगे सर स्कींग से है मतलब वही और जो बर्फ पे चलाते हैं उससे है। आप आपसे पूछ सकता है नीरज चोपड़ा जी का संबंध किससे है तो आप जवाब देंगे सर सात अगस्त को सालाना मनाया जाएगा जैवलिन थ्रो डे और उनका संबंध किससे है जैवलिन से है ठीक है भाला फेंकने से इसके साथ साथ सर वो आपसे ये भी पूछ सकता है ठीक है इसके साथ साथ वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई कर्णम मल्लेश्वरी जी का संबंध किससे है भरोत आलन से है लोवलीना जी का संबंध किससे है बॉक्सिंग से है इसके अलावा मीराबाई चानू जी का संबंध किससे है सर मीराबाई चानू जी का संबंध भी भरोतालन से है इसके अलावा का रवि ढैया का इन दोनों का संबंध किससे है कुश्ती से है ठीक है ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आप मान के चलिए पूछे ही जाते हैं संबंध किससे है है स्क्वैश से ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है स्क्वैश इस क्वेश्चन का ठीक आंसर है अच्छा क्वेश्चन है पूरे चांसेस है एग्जाम के ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में आता है तो आपको जवाब देना पड़ेगा क्या स्क्वैश एक प्रोफेशनल स्क्वैश प्लेयर है अगला सवाल है द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन बिच ऑफ दी सिटी ये जो नेहरू स्मारक संग्रहालय है और पुस्तकालय है निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है एक सवाल आपसे और पूछूंगा जो नेशनल चिल्ड्रंस डे है वो सालाना मनाया जाता है चौदह नवंबर को बताइए इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है सर पीडीएफ मिलेगा या नहीं जी पीडीएफ मिलेगा कल भी शेयर कर दिया था डलवा दिया था एक बार मैं पता करके आपको बता दूंगा कि कहां पर ये अपना पीडीएफ है मगर पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है ठीक है टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा एक्जाम एक्जाम चैनल पे द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है ये भारत में कहाँ पर मौजूद है और एक चीज और याद रखिएगा सवाल ये भी बन सकता है कि भारत मतलब इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाते हैं ट्राई कीजिए जरा एक बार इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाते हैं सालाना सवाल ये भी बन सकता है ये इतनी सारी जो धीरे धीरे करके नॉलेज बनेगी आपकी थोड़ा समय लगेगा थोड़ा सा टाइम दे दीजिए खुद को और मुझे भी अपने आप को भी मगर थोड़ा सा अगर आपने चीज़ों को टाइम दे दिया तो सर मान के चलिए आप सर्वश्रेष्ठ होंगे आपसे बेहतर कोई नहीं होगा आपके आगे पीछे आपसे बेहतर कोई नहीं होगा इस बात की गारंटी हमारी है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब प्रयागराज नई दिल्ली आगरा या फिर सूरत ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सी या फिर डी मोहित ग्रीन जी बहुत बहुत स्वागत है सब क्लास को लाइक कीजिए सब क्लास को एक बार शेयर कीजिए फटाफट से क्या है सवाल का सही जवाब सर ऐप पे क्लास कब से स्टार्ट होगी सात फरवरी से सर सात फरवरी से क्लास शुरू होगी सर ठीक है बाकी जल्दी शुरू करेंगे भाई आपके सर वो भी क्लास सवाल का सही जवाब क्या है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है जवाब देने की कोशिश कीजिए नेहरू मेमोरियल कहाँ पे मौजूद है सर नेहरू मेमोरियल मौजूद है नई दिल्ली में आप सभी लोग जानते हैं पहले राजधानी दिल्ली बनाई गई थी और दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली लेकर आए मतलब नई दिल्ली कब बनाई नई दिल्ली बनाई नाइनटीन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखना ठीक है अच्छा क्वेश्चन है अठारह अप्रैल को तो मनाएंगे यूनेस्को डे अठारह मई को मनाएंगे म्यूजियम डे ठीक है अठारह मई को मनाएंगे म्यूजियम डे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्सटीन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इन विच स्टेट इज द पीलीभीत टाइगर रिजर्व लोकेटेड ये जो पिलीभीत टाइगर रिजर्व है ना ये भारत में कहां पर मौजूद है पिलीभीत टाइगर रिजर्व पिलीभीत टाइगर रिजर्व भारत में कहां पर मौजूद है फटाफट फड़ जवाब दीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब बिमस्टेक वाला क्वेश्चन अच्छे से डील आपने कर लिया था क्या रहेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व भारत में कहां पर मौजूद है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है कर्नाटका छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान अच्छा सवाल है बहुत सारे चांसेस है जैसे मान लीजिए उसने कर्नाटक का सवाल का सही जवाब माना मान लीजिए मुझे तो आइडिया ही नहीं है या आपको भी आइडिया नहीं है आप पूर्वोर सर कर्नाटका को एक्सप्लेन कर दो तो मैंने क्या बोला कर्नाटका में अगर आप जाएंगे ना तो भारत का मतलब जो दक्षिणी भारत है ना जो साउथ इंडिया है साउथ इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है सर साउथ इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटका है कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है सर वहां पर आपको बोमाई साहब बैठे हुए मिलेंगे क्लियर इसके अलावा कर्नाटका के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है कर्नाटका के राज्यपाल का नाम है तवरचंद गहलोत तंवरचंद गहलोत ये वही व्यक्ति हैं सर जो पहले राज्यसभा में सदन के नेता हुआ करते थे उनको उठाकर वहां से कहां भेज दिया गया कर्नाटका का राज्यपाल बना दिया गया और राज्यसभा का सदन का नेता किसे बना दिया गया पीयूष गोयल को पीयूष गोयल पहले क्या संभाल रहे थे सर रेलवे मंत्रालय रेलवे मिनिस्ट्री अब कौन संभाल रहा है जल्दी से बताइए भारत के मौजूदा रेलवे मिनिस्टर कौन है इस प्रकार से चीजों को आपको याद करना है इस प्रकार से चीजों को आपको डील करना है बहुत शानदार जाएंगी इस प्रकार से चीजें आपकी ठीक है चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सी या फिर डी सवाल का सही जवाब सर यहाँ पे उत्तर प्रदेश है पीली भी टाइगर रिजर्व कहां मौजूद है उत्तर प्रदेश में मौजूद है मगर उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ साहब बैठे हुए हैं संभाल रहे हैं अभी अभी जल्द ही वहां पर चुनाव करवाए जाएंगे अगला सवाल है बिच ऑफ दिस डैम लोकेटेड इन झारखंड निम्नलिखित में से वो कौन सा बांध है जो झारखंड में मौजूद है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है चमेरा बांध कोनार डैम अलमाटी डैम या फिर कोयना डैम कोयना बांध निम्नलिखित में से वो कौन सा बांध है सर मौजूद है जो कहां पर जो बांध मौजूद है सर अपना झारखंड में फटाफट फड़ जवाब देने की कोशिश कीजिए सर विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन झारखंड क्या रहेगा सवाल का सही जवाब फटाफट फड़ जवाब दीजिए <coughs> बहुत बढ़िया जी टी एक्स टू अवार्ड भी मिला है पिली भई टाइगर रिजर्व को बहुत बढ़िया बहुत अच्छे जी योगी बाबा वाला पॉइंट भी आपने देख लिया ठीक है कुलदीप जी आपके सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ सर जल्दी क्लास उनकी शुरू होगी थोड़ी तबीयत बेहतर नहीं है तो एक सवाल तो आपको बता ही दिया जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी थोड़ी तबीयत बेहतर नहीं है जल्दी ही क्लास दोबारा शुरू करेंगे डोंट वरी बेफिक्र रहिए ठीक है जल्दी स्वस्थ होकर वो दोबारा से क्लास आपकी स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है सवाल का सही जवाब क्या है सर सवाल का सही जवाब यहाँ पे कोनार डैम है कोनार बांध है ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है कोनार डैम कोनार बांध यहाँ पर सवाल का सही जवाब है निम्नलिखित में से कौन सा बांध है झारखंड में मौजूद है तो आप जवाब देंगे सर कोनार डैम जल्दी कमेंट करके बताइए सर यहाँ के सीएम का नाम क्या है और जल्दी कमेंट करके बताइए सर यहाँ के गवर्नर राज्यपाल का नाम क्या है अच्छा पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है मान सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है केवल एक एग्जाम को टारगेट नहीं करता मैं ऑलमोस्ट हर एग्जाम को टारगेट करते हुए चलता हूं ठीक है कौन सा है तो आप जवाब देंगे सर कोनार डैम कोनार बांध अगला सवाल है अजय त्यागी इज अ करंट चेयरमैन ऑफ सेबी जो सेबी के मौजूदा अध्यक्ष है ना उनका नाम क्या है सर सेबी के मौजूदा अध्यक्ष का नाम है अजय त्यागी सवाल यहां पर यह है कि से, सेबी की स्थापना कब की गई थी इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है नाइनटीन में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की यहाँ पर वो बात कर रहा है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा है इसके मौजूदा अध्यक्ष अजय त्यागी है सवाल यहां पर यह है कि सर इसकी स्थापना कब की गई थी उन्नीस में की गई थी उन्नीस में की गई थी सन 2000 में की गई थी या फिर 1989 में 1989 में आप सभी लोग जानते हैं इकसठवा संविधान संशोधन हुआ था जिस इकसठवें संविधान संशोधन के माध्यम से जो वोटिंग एज थी ना उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था बहुत बढ़िया नाइनटीन एटी नाइन या फिर सन दो क्या है सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी अच्छा क्वेश्चन है पूरे चांसेस है एग्जाम में सवाल पूछे जाने के तो शानदार तरीके से एक बार जवाब देने की कोशिश भी कीजिए कब हुई थी इसकी स्थापना सर, इसकी की गई थी एक अधिनियम के आधार पर अधिनियम के आधार पर आधार पर इसकी स्थापना की गई थी कब की गई थी तारीख है सर बारह अप्रैल 12 बार अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल उन्नीस को इसकी स्थापना की गई थी याद रखिएगा अगर सर आप उन्नीस में जाएंगे ना तो आप अच्छे से जानते हैं कि यहीं पर हमने पंचायत जो एक्ट जो हमारा आगे जाकर पंचायत पास हो जाएगा मतलब आप अधिनियम बना देंगे उसको संविधान में जोड़ देंगे तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो जो सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट हुआ था ना सर उसके लिए जो बिल रखा गया था उसके लिए जो बिल रखा गया था संसद में पार्लियामेंट में वो नाइनटी टू में ही रखा गया था और वो बिल किस दिन इंप्लीमेंट हुआ था या फिर उसे मतलब किस दिन लागू किया गया था तो ध्यान रखना उस बिल को लागू किया गया था सर चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ तिरानवे को कब लागू किया गया था उस बिल को लागू किया गया था सर 24 अप्रैल उन्नीस को और सर सालाना 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है क्या सालाना 24 अप्रैल को ही मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायत दिवस नेशनल पंचायत डे राष्ट्रीय पंचायत दिवस नेशनल पंचायत डे सालाना कब मनाते हैं सर 24 अप्रैल को पहली बार कब बनाया सर 2011 में 2011 में अलग अलग प्रकार के सवाल हैं ध्यान रखना 1993 के साथ 2011 को मत जोड़ देना और 2011 के साथ 1993 को मत जोड़ देना ठीक है सर आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से 25 में 25 आ जाएंगे अगर आप प्रॉपर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आराम से हो जाएगा सर काम ठीक है अरे आप ये देखो यार पॉलिटी वाला सेक्शन भी डील हो रहा है साथ साथ करंट अफेयर भी डील हो रहा है मतलब करंट अफेयर तो गुरु कराएंगे हिस्ट्री वाली चीजों को भी लेकर चलते हैं इकोनॉमिक्स वाली रिपोर्ट भी आपको करवाऊंगा मैं अगला सवाल है 20 मार्च को सालाना कौन सा दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है सर सालाना 20 मार्च को चलिए जवाब दीजिए सर निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाते हैं सालाना 20 मार्च को अच्छा सवाल है सर एग्जाम में पूरे चांसेस हैं कि इस प्रकार के सवाल आपको जरूर नजर आएंगे फटाफट फड़ जवाब देने की कोशिश कीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब कौन सा दिवस मनाते हैं किस दिन मनाते हैं सर बीस मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं एक बार वॉटर डे भी बता दीजिए सालाना वॉटर डे कब मनाया जाता है इसको भी टिक कर लीजिए साथ साथ और याद रखना ये मार्च की ही बात कर रहा है ठीक है एक चीज और याद रखना सर आप अगर आयुष के बारे में पढ़ेंगे ना ये वाले आयुष के बारे में जिस आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई थी सन 2016 में तो वहां आपको आयुष की फुल फॉर्म पूछ सकता है वो ए से आयुर्वेदा होता है वाई से योगा होता है यू से यूनानी होता है एस से सिद्धा होता है और एच से होम्योपैथी होता है और इनके डेज भी होते हैं सभी के जैसे आयुर्वेदा डे सालाना मनाया जाता है धनतेरस पे क्योंकि धनवंतरी भगवान के संबंध में ही वो कहीं ना कहीं जोड़ रहा है उसे ठीक है तो सालाना धनतेरस पे आपको ये मनाते हुए नजर आएंगे हम सालाना धनतेरस पर मनाया जाता है क्या आ, नेशनल आयुर्वेदा डे ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है योगा डे मनाते हैं सर यूनानी डे मनाते हैं सिद्धा डे मनाते हैं और होम्योपैथी डे मनाते हैं अब जवाब दीजिए सवाल का सही जवाब क्या है क्या मनाते हैं सालाना बीस मार्च को ट्वेंटी ऑफ मार्च को सालाना क्या मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी बाईस मार्च को आप बता रहे हैं पानी डे मनाते हैं बहुत बढ़िया इस सवाल का सही जवाब है नेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है तो नेशनल हैप्पीनेस डे सालाना मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है सालाना कब सालाना बीस मार्च को मनाया जाता है ये क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्नीसवे नंबर के बाद बीसवे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एंटीगुआ एंड बार्बीडो एंटीगुआ और बार्बीडो की राजधानी क्या है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है पोटोनोवा सेंट जॉर्ज सेंट जॉन्स या फिर लापास निम्निखित में से क्या राजधानी रहेगी सर वट इज द कैपिटल ऑफ एंटी एंटीगुआ एंड बारबुडो ये जो एंटीगुआ और बारबुडा है ना इसकी राजधानी क्या रहेगी वट इज द कैपिटल ऑफ एंटीगुआ एंड बारबुडा क्या रहेगा सवाल का सही जवाब फटाफट फड़ जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी से शानदार तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए क्लास को शेयर कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं विस्तार पूर्वक सभी सभी को को पढ़ना, एकदम शानदार तरीके से पढ़ना अगर आप चाहते हैं तो भाई साहब मौका है अल्फा बैच का और अल्फा बैच का मौका किस प्रकार से है सर सात फरवरी तक अल्फा बैच आपको मिल रहा है सी एच एस एल फिफ्टी वाले कोड का इस्तेमाल करने पर पचास फीसदी का डिस्काउंट में मिल रहा है उसमें हम पढ़ाएंगे आपको स्टैटिक जी के विवेक सर हमारे गुरु जी आपको पढ़ाएंगे उसमें करंट अफेयर ठीक है तो वो आप समझ सकते हो कितना शानदार बैच रहेगा इसके अलावा आपके हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकोनॉमिक्स अपना क्या बोलते हैं मैथ्स मैथ्स के दो टीचर आपको मिल जाएंगे आपको रीजनिंग के दो टीचर मिल जाएंगे इंग्लिश के लिए आपको दो टीचर मिल जाएंगे तो आप समझ सकते हो कितना फायदा होगा उसमें आपको चलिए क्या है इस सवाल का सही जवाब एंटीगुआ एंड बारबीडो इसकी कैपिटल क्या है क्या रहेगी इसकी राजधानी सर इसकी राजधानी फटाफट -फड़ जवाब देने की कोशिश कीजिए सर ऑप्शन नंबर सी रहेगा बहुत बढ़िया सेंट जॉन्स रहेगी इसकी राजधानी अच्छा क्वेश्चन है जो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट होता है ना सर वही स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट होता है इस बात को हमेशा ध्यान रखना अगला सवाल है इन विच स्टेट इज द मधु मिलाई नेशनल पार्क लोकेटेड भारत में मधु मिलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर मौजूद है इन विच स्टेट इज द मधु मिलाई नेशनल पार्क लोकेटेड सर सिर्फ यूट्यूब सर आपको देखो पढ़ना तो पड़ेगा थ्योरी पे भी काम करना पड़ेगा ठीक है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब सवाल आपकी स्क्रीन पर है सर मधुमिलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर मौजूद है ऑप्शन स्क्रीन पर है सर तमिलनाडु तेलंगाना कर्नाटका या फिर केरल मधु नेशनल पार्क मधु राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पर मौजूद है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब फटाफट सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट जवाब देने का प्रयत्न कीजिए अच्छे सवाल है सर यही वो क्वेश्चन है जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे जैसे हमने आज क्लास के स्टार्ट में ये क्वेश्चन पढ़ा था तमिलनाडु के संदर्भ में मैंने आपको बताया वहां पे बैठे हुए कौन नजर आएंगे आपको सीएम के रूप में एम के स्टेलिन एम के स्टेलिन किसके बेटे हैं सर एम करुणा निधि के बेटे हैं एम करुणा निधि कहीं ना कहीं आपको फाउंडिंग मेंबर मिल जाएंगे डीएम की पार्टी की बात कर रहा हूं मौजूदा डीएम पार्टी के अध्यक्ष कौन है सर एम के स्टेलिन ही है साथ साथ अगर हम बात करें वहां के गवर्नर की तो सर वहां के गवर्नर का नाम क्या है आर एन रवि ये चीज भी इंपॉर्टेंट है इस चीज को भी याद रखिएगा ठीक है इसके अलावा सवाल का सही जवाब क्या है सर मधुमिलाई नेशनल पार्क कहां पर मौजूद है सर ये नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा अपना तमिलनाडु में क्लियर इंपॉर्टेंट है पूरी चीज को एक साथ अगर हम रिवाइज कर लेंगे ना तो मान लीजिए सारा काम हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल वेयर इज द एशियन फुटबॉल कंफ्रडरेशन हेडक्वार्टर लोकेटेड एशिया फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय कहां पर मौजूद है नेरेबी केनिया में बॉन जर्मनी लंदन यूके या फिर कौला मलेशिया में चलिए इसका हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन फुटबॉल कंफेडरेशन हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है एक चीज और याद रखिएगा 2022 में इसी साल करवाया जाएगा सर फीफा वर्ल्ड कप ठीक है इसी साल करवाया जाएगा सर फ़ीफा वर्ल्ड कप और फीफा वर्ल्ड कप पहली बार किसी इस्लामिक कंट्री में करवाया जाएगा सवाल का जवाब देने का प्रयत्न कीजिए कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो किस देश में करवाया जाएगा इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि हर चार साल में करवाया जाता है फीफा वर्ल्ड कप जो 2018 वाला हुआ था वो रशिया में हुआ था कौन सी टीम ने वो वर्ल्ड कप जीता था फीफा वर्ल्ड कप तो जीतने वाली टीम का नाम वहाँ पे फ्रांस था हारने वाली टीम का नाम वहाँ पे क्रोएशिया था क्रोएशिया की राजधानी जैग्रैब रहेगी ये भी याद रखिएगा साथ साथ सर फ्रांस की पेरिस रहेगी राजधानी इसके साथ साथ ये भी याद रखना कि रशिया की मॉस्को रहेगी क्लियर और दो का जो फीफा वर्ल्ड कप करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा यूएस मैक्सिको और कैनेडा में तीन कंट्रीज आपको मिलेंगी जहां पर करवाया जाएगा ठीक है अब जब आप दीजिए इस सवाल का एशियन फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है कौला मलेशिया में ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब है कौला मलेशिया इस क्वेश्चन का एकदम सटीक और ठीक आंसर है ध्यान रखिएगा सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे चांसेस है पूछे जाने के नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट ये जो सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है इसका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है चलिए

अरे नहीं नहीं होगा यार कैंसिल क्यों करवा रहे हो पता है उस वर्ल्ड कप को करवाने के लिए कितने सारे लोगों ने अपनी मतलब समझ सकते हो कितने सारे लोग मर गए हैं स्टेडियम को बनाने में वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सी या फिर डी सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है एक सवाल और पूछ सकता है वो पूछ सकता है सर ऊबर कप का संबंध किससे है और वो आपसे पूछ सकता है थॉमस कप का संबंध किससे है इन दोनों के जवाब देने की भी कोशिश कीजिए उबर कप का संबंध किससे है थॉमस कप का संबंध किससे और जो सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है इस सवाल का सही जवाब क्या है सर सवाल का सही जवाब यहाँ पे बैडमिंटन है आप सभी लोग जानते हैं कि बैडमिंटन में भारत की एकमात्र महिला जिन्होंने दो बार किसी भी मतलब ओलंपिक्स में मेडल प्राप्त किए हैं उनका नाम क्या है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पी सिंधु जी की दो में जो ओलंपिक करवाए गए थे ब्राजील में वो और रियो द जनेरियो में उसमें उनको सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था और इस बार जो टोक्यो में हुए थे उसमें उनको प्राप्त हुआ ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे मैं पीवी सिंधु जी की बात कर रहा हूं ध्यान रखना अच्छा है उबर कप का संबंध किससे और थॉमस कप का संबंध किससे है फटाफट -फड़ कमेंट करके बताइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ट्वेंटी नंबर का ये जो डूलर स्टेडियम है ये भारत में कहां पर मौजूद है तेलंगाना उड़ीसा गोवा या फिर सिक्किम डूलर स्टेडियम भारत में कहां पर मौजूद है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी डूलर स्टेडियम भारत में कहां पर मौजूद है बढ़िया शानदार सवाल है पूरे चांसेस है सर एग्जाम में पूछे जाने के डूलर स्टेडियम भारत में कहां पर मौजूद है फटाफट जवाब दीजिए जल्दी से शानदार तरीके से अच्छा क्वेश्चन है पूरे चांसेस है डूलर स्टेडियम भारत में कहां पर मौजूद है अच्छा क्वेश्चन है फटाफट से पांच सवाल और बचे हैं भाई पूरे करवा देता हूं ताकि तुम्हारे थर्टी का थर्टी का जो स्लॉट है ना वो पूरा हो जाएगा अच्छे से शानदार तरीके से इस सवाल का सही जवाब कुछ भी हो सर मगर मान लीजिए अगर आप गोवा के भ्रमण पे गए हैं जैसे मान लीजिए इस सवाल का सही जवाब मान लीजिए कि गोवा है वैसे गोवा ही आप सभी लोग जानते हैं इस सवाल का सही जवाब गोवा है ठीक है अगर आप गोवा के भ्रमण पे गए हैं तो आपको गोवा के बारे में पढ़ना पड़ेगा शानदार तरीके से पहला सवाल तो ये बनता है कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने गोवा के राज्यपाल की शपथ ली और किस भाषा में ली कोंकणी भाषा में ध्यान रखना किस भाषा में शपथ ली थी सर कोंकणी भाषा में शपथ ली थी किसने भगत सिंह कोशारी साहब की यहां पर मैं बात कर रहा हूं गोवा लिबरेशन कब हुआ था गोवा को मुक्ति कब मिली थी तो गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है सर सालाना 19 दिसंबर को सिंस 1961 गोवा को किस ऑपरेशन के माध्यम से अलग मतलब विजय मतलब इंडिपेंडेंट करवाया गया था तो ऑपरेशन विजय के माध्यम से याद रखना इसके साथ साथ उन्नीस सौ अड़तालीस नाइनटीन फोर्टी एट में ही किसने कहा था सरदार पटेल ने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि भाई जब सब कुछ ले ही रहे हैं तो गोवा को भी फटाफट आजाद करवा लेते हैं मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकार कर दिया और तेरह साल लगे गोवा को अपना बनाने में यह है गोवा की कहानी अच्छा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा पूरे चांसेस है कब बनाते हैं इसका लिबरेशन डे 19 दिसंबर को सालाना मनाया जाता है इसका लिबरेशन डे गोवा मुक्ति दिवस के बारे में अगर आप पढ़ोगे साथ साथ सर याद रखना प्रमोद सावंत यहां पर आपको बैठे हुए नजर आएंगे ठीक है अच्छा पॉइंट है गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य भी है और गोवा में अगर हम बात करें विधानसभा की सीटों की तो 40 सीटें पर आपको नजर आ जाएंगी साथ साथ याद रखना कि आ, जो है वो क्षेत्रफल है ये सवाल पूछा गया था सीपीओ 2018 वाले में 2018 में पूरा एरिया पूछ गया था किलोमीटर रहेगा एरिया नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल द बुक इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप इज ऑथर्ड बाय पुस्तक इंडोबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप द्वारा लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई किताब है भाई ये क्या है सवाल का सही जवाब फटाफट पड़ जवाब देने की कोशिश कीजिए एक बार 425 विद्यार्थी देख रहे हैं फटाफट पड़ से अगर क्लास को शेयर कर दोगे ना भाई तो 500 विद्यार्थियों तक पहुंच जाएगी ये कहानी और आज का जो आंकड़ा है हमारा वो पार हो जाएगा भाई सही बता रहा हूं मतलब मजा आ जाएगा भाई अगर 500 विद्यार्थी छुआ दोगे एक बार दिल से बोल रहा हूं दिल पे याद रखे एक बार फटाफट से शेयर कर दो शांतिपूर्ण तरीके से सवाल बहुत ही बढ़िया है द बुक इंडोमिटेबल आप समझ रहे इसी प्रकार के सवाल आएंगे द बुक इंडोमिटेबल वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन अ वर्क लाइफ एंड लीडरशिप निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई किताब है अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा अनिता देसाई के द्वारा अरुंधति रॉय के द्वारा या फिर अश्विन सिंघानिया के द्वारा सर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे ना तो अरुंधति रॉय की मदर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा सर आपको पढ़ना पड़ेगा कि भारत में अडोप्शन को लेकर क्या क्या रूल्स हैं क्या क्या रेगुलेशन है अडॉप्शन की बात कर रहा हूँ सर ऐसा ही नहीं है कि आप किसी को भी जाकर अडॉप्ट कर लोगे पिता की और जिसको आप लड़की को अगर गर्ल को अडॉप्ट कर रहे हो तो लगभग पंद्रह साल का अंतर होना चाहिए सर ये क्या कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको आपको पढ़ना पड़ेगा सर आर्टिकल नंबर चौवालीस के बारे में इसके अलावा आपको हिंदू सिविल कोड के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा हिंदू सिविल कोड सर 1955 हिंदू 1955-56 हिंदू सिविल कोड के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा जिसमें बता रखा है कि तलाक देने का तरीका क्या होगा हिंदुओं के लिए बता रहा हूं केवल यहां पे मैं ठीक है बहुत अच्छा सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से जवाब देने का प्रयत्न कीजिए सवाल का सही जवाब सर यहाँ पे है अरुण्धति भट्टाचार्य ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब एक किताब आपसे और पूछूंगा एक किताब का नाम आपने सुना होगा असुटेबल बॉय असुटेबल बॉय जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है अगर आपको नहीं पता तो आ आसुटेबल बॉय जो किताब लिखी गई है सर वो लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है सर विक्रम सेठ के द्वारा पता है विक्रम सेठ किसके बेटे हैं विक्रम सेठ बेटे हैं सर लीला सेठ के विक्रम सेठ बेटे हैं सर लीला सेठ के लीला सेठ जी कौन थी सर ये दिल्ली की पहली महिला जज थी दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज थी और अगर हम बात करें सर तो ये सबसे पहले चीफ जस्टिस बनी थी महिला चीफ जस्टिस बनी थी मुख्य न्यायाधीश बनी थी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की यह सवाल एग्जाम में हजारों बार आया होगा सर हजारों बार लीला सेठ के बेटे कौन है विक्रम सेठ इनके द्वारा लिखी गई किताब है अनसुटेबल बॉय बॉय एक और किताब मिलेगी एन बॉय। वो करण जोहर के द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल द हरिका वेटलैंड इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ इंडिया ये जो हरिक भारत के किस राज्य में मौजूद है कल आपने भूपेंद्र यादव के बारे में पढ़ा था आप सभी लोगों को याद होगा भूपेंद्र यादव कौन है भूपेंद्र यादव ठीक है जी बहुत बढ़िया क्या रहेगा सवाल का सही जवाब फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट जवाब देने का प्रयत्न कीजिए जल्दी से जवाब देने की क्वेश्चन पांच सौ लाइक की बात नहीं थी पाँच सौ लाइव की बात थी तुमने पांच सौ लाइक कर दिए बहुत बढ़िया शानदार सा चलिए क्या है सवाल का सही जवाब दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं पूरे कर लो थर्टी की मेरी स्लाइड पूरी हो जाएगी द हरिका वाइटलैंड डे कब मनाते हैं आप सभी लोग जानते हैं सर वेटलैंड डे कब मनाया जाता है सर वेटलैंड डे मनाया जाता है सालाना दो फरवरी को ठीक है भारत में कुल मिला के अब कितने वेटलैंड हो गए सर 49 हो गए दो कल ही जोड़े गए हैं दो कल ही वेटलैंड जोड़े गए हैं आपने देखा था और भारत के पर्यावरण मंत्रालय कौन संभाल रहा है भूपेंद्र यादव जी संभाल रहे हैं ये पॉइंट आपको कल बता दिया था मैंने अब सवाल का जवाब दे दीजिए जो हरी के वेटलैंड है यह भारत में कहां पर मौजूद है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फटाफट जवाब दीजिए चलिए जल्दी से जवाब दीजिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी सी या फिर डी अच्छा क्वेश्चन है शानदार सवाल है एग्जाम में पूरे चांसेस है सर इन प्रकार के सवालों के पूछे जाने के नहीं पता नहीं टिक कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है सर पंजाब टिक करके आगे बढ़ जाना आप सभी लोग जानते हो पंजाब में तेईसवा डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया जिसे मिलार कोटला के नाम से जानते हैं जिसकी बाउंड्री किसके साथ लगेगी मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के साथ लगेगी इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट भी था उसको लेकर पंजाब पंजाब में बैठे हुए कौन पंजाब में बैठे हुए चरणजीत सिंह चन्नी ठीक है किसके नेता है तो कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस की स्थापना की गई थी अट्ठाईस दिसंबर अठारह सौ पिचासी किसके द्वारा ह्यूम ठीक है एओ ह्यून की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगला सवाल है गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम भारत में कहां पर मौजूद है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भारत के किस राज्य में मौजूद है सर पंजाब उत्तर प्रदेश झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल गोविंद पल्लभ पंत भारत में कहां पर मौजूद है सर सवाल अगला आपकी स्क्रीन पर आ गया फटाफट फड़ जवाब दीजिए जल्दी से शानदार तरीके से सर जी एग्जाम्पुल पर राजस्थान पर क्लास सर मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल आइडिया नहीं है जी नो no आइडिया बस ये मत बोल देना सर गेट एन आइडिया सर जी क्योंकि आइडिया तो वोडाफोन बन गया है फिर ये भी दिक्कत है ठीक है क्या रहेगा सवाल का सही जवाब मतलब दोनों कंपनियों का मर्जर हो गया तो आप जानते हो वी हो गया होगा वो क्या है सवाल का सही जवाब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है किस राज्य में मौजूद है इसे ही हम जानते हैं रिहान्द डैम के नाम से भी इसे ही हम जानते हैं सर रिहान डैम के नाम से भी रिहान बांध के नाम से भी इसे हम जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भारत में कहां पर मौजूद है सर ये बांध मौजूद है उत्तर प्रदेश में यूपी में अच्छा सवाल है पूरे चांसेस हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट फड़ लेते हैं अट्ठाईसवें नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है सर सवाल है लक्ष्य सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है लक्ष्य सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है चलिए एसएससी मत मतलब सवाल का जवाब दिए फटाफट से जल्दी से चलिए भाई लक्ष्य सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से किसी का किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहेगा पूछ लेना ऑफलाइन में कमेंट करके मैं जवाब दूंगा पर्सनली ठीक है बिकुल कुमार जी थोड़ी तबियत खराब है सर की इसी कारण बस क्लास नहीं ले लेने जल्दी ही लेंगे बेफिक्र रहिए सर यहीं पर हैं कहीं नहीं गए आज चाय पिए उनके साथ बैठ के ठीक है लक्ष्य सेन जी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है सर वो कौन सा खेल है ऊबर कब पढ़ा आपने आपने थॉमस का पढ़ा दोनों का संबंध बैडमिंटन से रहेगा सवाल का सही जवाब क्या रहेगा सर सवाल का सही जवाब भी रहेगा बैडमिंटन ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है सर बैडमिंटन से है ध्यान रखिएगा सही सवाल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैडमिंटन दो तीन प्रकार के आपको मिल जाएंगे सर पहले सिंगल डबल इसके अलावा सर एक और मिलता है आजकल अगला अच्छा सवाल द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन बर्लिन जर्मनी निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में मौजूद है एंजेलिना मार्कल आपको बैठी हुई मिल जाएंगी निम्नलिखित में से किस मुख्यालय बर्लिन में मिल जाएगा यूनिडो का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आप सभी लोग जानते हैं डब्ल्यू का पुराना नाम क्या था गेट था इसकी जो नाम बदला गया था मेरे ख्याल से उन्नीस सौ पिचानवे के आसपास बदला गया था जनवरी में ठीक है ना तेरह कंट्रीज के आसपास जो थी उन्होंने हामी भरी थी चलिए अब तीस के तो, तीस क्वेश्चनों का जवाब यहां दे तो दिया तो फिर पीडीएफ में आंसर का क्या करोगे ठीक है जब तीस के तीस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो फिर आंसर का क्या करोगे सवाल आपकी स्क्रीन पर है फटाफट -फड़ जवाब दे दीजिए निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय मौजूद है बर्लिन जर्मनी में सवाल का सही जवाब है सर यहां पे ट्रा, इं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मैं आपको रिपोर्ट्स भी पढ़ाऊंगा मैं सर आपको इंडेक्स भी पढ़ाऊंगा मैं आपको इसके अलावा और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी ठीक है आप डेली ही देखेंगे कि आपके सामने नए नए प्रकार के सवाल आप देखेंगे बहुत शानदार सवाल ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ ये तो लास्ट के क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ वरना चारों बता सकता हूँ कि कौन सा कहाँ पर है किसमें कितनी कंट्रीज मौजूद है किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेसिक बन जाता है ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा करंट किस देश के राष्ट्रपति हैं यह आपके लिए होमवर्क रहेगा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा सर आज हाईएस्ट मेरे ख्याल से पांच सौ चार सौ पैंतीस के आसपास थे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयत्न कीजिए प्रयास कीजिए सर इससे बेहतर कुछ नहीं है ठीक है इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं एसएससी एग्जाम बाय बाग्जामपुर अगर परिवार से आप तैयारी कर रहे हैं तो यहां से तैयारी करने के बाद आप सौ रिजल्ट की कल्पना कर सकते हैं कामना कर सकते हैं क्योंकि शानदार तरीके से यहां जानदार तरीके से टीचर्स के साथ दिन रात एक करके आपको पढ़ाया जाता है इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना सर अगर एक जबरदस्त बैच आपको मिल रहा है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं और एक बार पढ़कर क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए अगर आपने सर पचास हजार की जमीन खरीदी थी ना तो वो बीस साल बाद जाके मान रहा हूं बीस लाख की हो जाएगी मगर अगर आपने अपने ऊपर पढ़ने पे अगर आपने दो हज़ार खर्च किए ना सर तो वो दो हजार जो आज आपने खर्च किए हैं सर वो दो करोड़ का फायदा देंगे पूरी जिंदगी भर कमाता है उससे इंसान हमारे माता पिता ने एक ही बार तो पढ़ाया हमें ये थोड़ी डेली पढ़ा रहे हैं अगर सर एक बार पढ़ा दिया तो आप समझ सकते हो पूरी जिंदगी का काम चल जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया जी चलिए किसी का किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे सर आप पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मैं जवाब दूंगा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से शानदार तरीके से और ये विद्यार्थी जो कमेंट कर रहा है ना थॉमस कप का संबंध हॉकी से है धीरज कुमार जी सर्च कर लेना विद्यार्थी ठीक है एक जीता है मेरे ख्याल से एक आपको इंडोनेशिया जीतते हुए मिलेगा और एक आपको चाइना जीतते हुए मिलेगा इंडोनेशिया मेरे ख्याल से तीसरी बार जीता है दोनों का संबंध बैडमिंटन से है सर मेरी याददाश्त अच्छी है ठीक है अब मिलेंगे अगली क्लास में इसके अलावा एल्फा बैच को जरूर परचेज कीजिए ठीक है सर एल्फा बैच इसको ध्यान रखिए जरा एल्फा बैच को बहुत शानदार टीचरों के द्वारा यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा और सी एच एस एल फिफ्टी कोड का इस्तेमाल कीजिए सात फरवरी तक ये वैलिड है आपके लिए क्या वैलिड है सात फरवरी तक ये कोड आपके लिए सात फरवरी तक वैलिड है हंड्रेड डेज का कोर्स है सर हंड्रेड डेज में आपको इतना पढ़ा देंगे और बिल्कुल पेन लेकर लिखना सिखा देंगे तुम्हें ताकि तुम्हारी तैयारी हो जाए चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए शुक्रिया बब बाई टेक केयर शुभरात्रि जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर